हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई सुबह 5 बजे बुलेटिन करने के बाद में मैं पहुंच गई हूँ आउटडोर शूट के लिए। तो आज हम शो कर रहे हैं बेसिकली जनता के मूड पर। तो आज चलिए जानते हैं कि जनता क्या सोच रही है इस बार अपनी सरकार को लेकर। मैं ऑफिस से निकला हूँ, गाजियाबाद के लिए। कहाँ जाना है? हाँ तो हमें गाजियाबाद की मार्केट है क्योंकि हम गाजियाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर करने के लिए आए हुए हैं। तो लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं। आइए अभी एक और शो हम लोगों को निपटाना है तो उस तरफ बढ़ते हैं आगे। और कवर करते हुए आगे बढ़ते हुए पता लगा कि यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो कि चोपला मंदिर नाम से विख्यात है, हनुमान जी का दक्षिण मुखी मंदिर है ये। और मैंने सुना कि यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने के लिए। और कहते हैं कि जो भी यहाँ पर मन्नत मांगता है ना वो सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो अगर आपकी मुरादें पूरी नहीं हो रही हैं तो आप भी हनुमान जी के दक्षिण मुखी मंदिर जा सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि लगभग 550 या 5000, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट इतना पुराना ये मंदिर है, तो ज़रूर जाइए। और फिर हमारे कैमरामैन को लग गई भूख, भाई इन्होंने खाए समोसे। और ये समोसा ना मैंने सुना था बहुत ही पुरानी शॉप है जहाँ पर ये समोसा खा रहे थे। मतलब वो अंकल बता रहे थे कि लगभग 90 साल पुरानी ये शॉप है। फिर यहाँ पर बन रही थी इमरती, तो कौन कौन इमरती की तरह है ज़रा मुझे कमेंट करके बता देना। और सच में यहाँ पर इतना ट्रैफिक लगता है ना भाई, अगर आप जा रहे हो ना गाज़ियाबाद की इस मार्केट में तो अपने जो भी गाड़ी होगी ना आपके बाहर ही छोड़ के आना, क्योंकि अंदर तो आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। खैर हम आगे बढ़ते रहे, शो निपटाया और फिर उसके बाद में मैं आ गई ऑफिस। ऑफिस आने के बाद में फिर मैं निकल गई घर क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, लगभग 6 बज चुके थे। आप देख ही रहे हो मौसम कैसा हो गया था। और पूरा व्लॉग देख चुके हो तो कसम से बोल रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना आपको इस इमरती और समोसे की कसम।